नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। NTA नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है EWS कैटेगरी के रिजर्वेशन के बारे में, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट के नीचे आपको यह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग EWS फॉर नीट UG 2019। यह जो नोटिफिकेशन है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आया है और यहाँ पर EWS के रिगार्डिंग कुछ क्लेरिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहले यह है कि 2019 के एकेडमिक ईयर से ही EWS कैटेगरी जो है वह इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब EWS का फुल फॉर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। इसमें जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपये से कम होती है। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं तो आप EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो और 10% सीट जो है जो इसके लिए रिजर्व रहती है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब 10% जो है 2019 में इंक्रीज होगी और बाकी की सीट 25% जो है 2020 में इंक्रीज होगी, ऐसा लिखा गया है। अब 10% रिस्पॉन्ड करता है 7000 MBBS सीट को, जो मैंने आपको पहले ही शेयर किया दिया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से यह रिकमेंडेड किया है कि वह भी यह जो 10% रिजर्वेशन है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कॉलेज में सीट इंक्रीज कर दे। तो उसका भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ देख लेते हैं। इट इज़ मैंशन दैट नो रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल इन सुपर स्पेशलिटीज कोर्स। तो यह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुपर स्पेशलिस्ट में यानी PG के बाद जो SS होते हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं रहेगा। ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑल्सो बीन रिक्वेस्टेड टू गिव एफर्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंडेड एडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2019-20। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि इस साल से ही 10% रिजर्वेशन जो है उनमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यह न्यूज़ जो है वह मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि रिजर्वेशन का यह मतलब रहेगा कि उनके लिए जो सीट जो है इंक्रीज हो रही है, लेकिन बाकी कैटेगरी के लिए भी यह सीट इंक्रीज होगी, क्योंकि वह जो 10% रिजर्वेशन है उसे एकोमोडेट करने के लिए ओवरऑल सीट इंक्रीज करनी पड़ेगी। और अगर ओवरऑल सीट इंक्रीज हो रही है तो सभी कैटेगरी को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भी यह 10% रिजर्वेशन का फ़ायदा ही रहेगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।